व्हाट्सअप गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। तो जो भी भाई इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा ना, वो भी कुछ इसी टाइप की फोटो एडिटिंग केवल लाइटरूम ऐप में एडिट कर लेगा। और मैं 110% लिख के देता हूँ ना कि वीडियो के लास्ट में आप भी सेम ऐसा फोटो एडिटिंग कर ही लेंगे। और आप लोग ना अपने हेयर को देख सकते, ऐसा आप भी अपने हेयर को व्हाइट कर लेंगे, आपका भाई एवरीथिंग जानकारी देने वाला है। तो वीडियो को आप लोग कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप इस टाइप की फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल से गाइज, आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा, आपको अपनी गैलरी से ना ओरिजिनल फोटो को लेना होगा। और लेने के बाद सिंपल से इसकी शेयर के आइकन पे क्लिक करके और इस वाली फोटो को लाइटरूम के अंदर शेयर कर लेंगे। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूँ, वहां पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ। तो व्हाट्सअप गाइस, जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से ऑल फोटोज के आइकन पे क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा, जिसे आपको एडिट करना। तो गाइस, इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले हैं और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताने वाला है। तो वीडियो को आप लोग कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले स्टेप में गाइस हम लोग क्या करेंगे, साइड में हम लोग को एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसकी लाइट वाले आइकन पे हम लोग ऐसे क्लिक करके और इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 32% कर लेंगे, और इसकी हाईलाइट की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके माइनस साइड में 77% कर लेंगे, शैडो की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 34% कर लेंगे, व्हाइट्स की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 22% कर लेंगे। देन दोस्तों, इसकी ब्लैक्स की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, ऐसे डिक्रीज करके -27 कर लेंगे, और इसकी व्हाइट्स की वैल्यू प्लस साइड में हम लोग 22 करेंगे। देन दोस्तों, ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद हम लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, में हम लोगों ने अपनी फोटो की लाइट को अच्छे तरीके से एडजस्ट किया। तो गाइस, अगर आप पहले स्टेप को अच्छे तरीके से देख लिए तो दूसरे स्टेप को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसके बिना तो कभी आप फोटो को एडिट ही नहीं कर पाएंगे। तो दूसरे स्टेप को ध्यान से देखिएगा। तो सिंपल से गाइस हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कलर्स के आइकन पे ऐसे क्लिक करेंगे, और कर लेने के बाद सबसे पहले इसकी टिंट की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -20% कर लेंगे। देन दोस्तों, इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 33% कर लेंगे, और इसकी टेम्प की वैल्यू भी इंक्रीज करके प्लस साइड में 35% कर लेंगे। देन दोस्तों, ये सारी सेटिंग आप जैसे ही कीजिएगा तो आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं, आपका भाई एक एक स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला है। तो वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से वॉच कीजिएगा। ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आपको ऊपर साइड में कोने में ना ऊपर यहाँ पे मिक्स टूल के आइकन पे ऐसे क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने यहाँ पे बहुत सारे कलर्स नजर आएंगे, और इन्हीं कलर का यूज करके आपका भाई टोन को क्रिएट करना बताने वाला है। तो यहां पे वीडियो को अच्छे तरीके से आप देखिए, अगर नहीं तो आप फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करेंगे, और इसकी सैचुरेशन की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -36 कर देंगे, लुमिनस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 16% कर देंगे। देन दोस्तों, सिंपल से आप लोग को येलो कलर को लेना होगा, और लेने के बाद इसकी लुमिनस की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -29 कर देंगे, और सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर देंगे, ह्यू की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर देंगे। देन दोस्तों, इसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। सिंपल से आप लोग को ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके इसकी सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा, लुमिनस की वैल्यू भी ऐसे डिक्रीज करके -37 कर दीजिएगा। यहां पे ब्लू कलर को सिलेक्ट कीजिएगा, सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 करके, और सिंपल गाइस आपको डन क्लिक करना होगा। और डन आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपकी पूरी फोटो में कुछ इस टाइप से टोन देखने को मिल जाएगा। तो आगे आप लोगों को भाई ये बताया गया कि कैसे आप अपनी फोटो के अंदर कलर को ऐड करेंगे, कैसे आप अपनी हेयर को व्हाइट करेंगे, एवरीथिंग जानकारी देगा। तो वीडियो को अच्छे तरीके से आप देखिएगा। देन दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, मिक्स टूल के बगल में ग्रेडिंग के आइकन पे क्लिक करना होगा, और यहां पे आप लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि शैडो, मिड टोन, हाईलाइट, और यहाँ पे हाईलाइट मिल जाएगा ग्लोबल। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, शैडो में आके और ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -47 कर लेंगे, ब्लेंडिंग की वैल्यू इंक्रीज करके 100% कर लेंगे, बैलेंस को ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 34% कर देंगे। और क्या करना होगा, सिंपल से ऐसे स्क्रॉल करना होगा, और ऐसे गाइस स्क्रॉल करके आप हाईलाइट में चले आइएगा, और आने के बाद आपको अपने फिंगर से पकड़ के कुछ इस टाइप से घसीट के ना थोड़ा सा आप लोग को ब्लू साइड में करना होगा। और कर लेने के बाद इसकी ह्यू की वैल्यू 200
18 रखिएगा, सिचुएशन को यहाँ पे 33 पर चेंज, और ये सारी सेटिंग आप अच्छे तरीके से देखिएगा तभी आप फोटो को एडिट कर पाएंगे। और ये कर लेने के बाद आपको सिंपल डन क्लिक कर देना होगा, और डन क्लिक कर लेने के बाद आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइस बिल्कुल आप लोग को घबराना नहीं, ये कंप्लीट एडिटिंग अभी हम लोग का नहीं है। सिंपल से आप लोग को तीसरे स्टेप में क्या करना होगा, इसकी इफेक्ट के आइकन पे ऐसे क्लिक करना होगा, इसकी विगनेट की वैल्यू आप ऐसे कम करके प्लस साइड में ना माइनस साइड में 50% कर लीजिएगा, मिड पॉइंट की वैल्यू भी ऐसे कम करके यहाँ पे 27% कर लीजिएगा, क्लियरिटी की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 15%, टेक्सचर की वैल्यू इंक्रीज करके 8%, डीआईएस की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 16% कर लीजिएगा। और ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइस सिंपल से आप लोग को इतना सारा काम कर ले तो एक स्टेप और आप वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आपका कंप्लीट एडिटिंग हो जाएगा। सिंपल से आप लोग को डिटेल्स के आइकन पे जाना होगा, शार्पनिंग की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 26% कर लीजिएगा, मास्किंग की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 52%, नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 30% कर लीजिएगा, और इसकी कलर्स नॉइस रिडक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करके 27% कर लीजिएगा, और पूरा नीचे आके इसकी स्मूथनेस की वैल्यू 100% कर लीजिएगा। और ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आल्ट वाला आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से एडिट होके आ जाएगा, जो देखने में काफी ओसम एंड फारसी दिख रही है। अभी गाइस हम लोग का दो काम बाकी है, जैसे कि अपने पूरे बैकग्राउंड को ब्लू टोन को ऐड करना, और दूसरा कैसे आप अपने हेयर को व्हाइट करेंगे ये भी आपका भाई बताने वाला है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। बैकग्राउंड में ब्लू टोन को ऐड करने के लिए सिंपल से हम लोग ऐसे स्क्रॉल करके पूरा ऊपर आएंगे, और ऊपर आने के बाद मास्किंग के आइकन पे क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पे ऐसे टैप करके ऐसे स्क्रॉल करके पूरा नीचे आ जाएंगे, और आने के बाद आप लोग के सामने कलर रेंज का आइकन मिलेगा। तो इसमें आप लोग ऐसे टैप करके और यहाँ पे कलर पिकर का एक आइकन मिल जाएगा, तो इसे ऐसे आप बैकग्राउंड में रख के और सिंपल अप्लाई क्लिक कर दीजिएगा, और कलर्स के आइकन पे क्लिक करके ऐसे आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद कलर एच का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसे ऐसे पकड़ के आप ब्लू साइड में करके और सिंपल से राइट क्लिक कर दीजिएगा। और ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग को इसकी शेयर के आइकन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका ये फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। आपको अपने हेयर को व्हाइट करना आगे आपका भाई बताने वाला है, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, पहले फोटो को सेव हो जाने दीजिए। हेयर को व्हाइट करने के लिए सिंपल से गाइस आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा, आपको प्ले स्टोर से स्केच बुक ऐप को लोड कर लेना होगा, और कर लेने के बाद सिंपल से इस वाले ऐप को ऐसे आप ओपन कीजिएगा, और कर लेने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा। जो पहले हम लोगों ने फोटो एडिट किया था इसमें वो फोटो हम लोग का दिखा रहा है, तो हमें इसे डिलीट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर साइड में कोने में ना यहाँ पे 3 लाइन के आइकन पे ऐसे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे इम्पोर्ट फोल्ड फाइल के आइकन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे डिस्कार्ड का एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, तो इसमें हम लोग ऐसे क्लिक कर देंगे, इसे हम लोग यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे, और सिंपल से आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस आ जाएगा, जो भी आपका लाइटरूम में फोटो होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी हमने जिस फोटो को सेव किया है लाइटरूम ऐप से, उस फोटो को यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, और कर लेने के बाद हम लोग की पूरी फोटो यहाँ पे आ जाएगी। हेयर को व्हाइट करने के लिए आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताने वाला, तो वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। ऊपर साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, तो सबसे पहले आपको कलर्स के आइकन पे यहाँ पे ऐसे क्लिक करना होगा, और कर लेने के बाद यहाँ पे ऐसे आप पकड़ के इसे ऊपर साइड कर दीजिएगा व्हाइट वाले में, और व्हाइट कर लेने के बाद नीचे साइड में क्रॉस वाले आइकन पे आप ऐसे क्लिक कर दीजिएगा, और सिंपल से आप लोगों को ब्रश वाले आइकन पे ऐसे क्लिक करना होगा, और आप लोगों को ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ब्रश देखने को मिलेंगे, तो आप ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा, तो इस वाले ऑप्शंस में आके आप लोगों को ये वाले ब्रश को सिलेक्ट करना होगा जो कि ब्लू कलर में ऐसे राउंड है, इसे आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा इस वाले ब्रश को यहाँ पे, ये वाला जो है, और कर लेने के बाद ऊपर साइड में ना इस वाले आइकन पे आपको ऐसे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे साइज को आप इतना रख लीजिएगा, फ्लो को आप लोग 29% रखिएगा, और स्ट्रेंथ की वैल्यू आप लोग यहाँ पे 37% रख लीजिएगा, और ये सारी सेटिंग आप सेम रख के नीचे साइड में क्रॉस क्लिक कर दीजिएगा, और फोटो को सिंपल से आप लोग ऐसे जूम कीजिएगा, और आपका हेयर जिस साइड में है आप लोग को ऐसे इसे ब्रश को चलाना होगा, जैसे आपका भाई चला रहा है तो आप लोग भी सिंपल से ऐसे चला लीजिएगा, और जैसे ही आप चला लेंगे ना तो आपकी पूरी हेयर व्हाइट हो जाएगी, और देखने में काफी ओसम एंड फारसी दिख रही है। तो मैं भी ऐसे फटाफट से चला लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आप लोग के साथ शेयर करता हूं। सो व्हाट्सअप गाइज, जैसे ही आप ये कीजिएगा तो आपकी पूरी हेयर कुछ इस टाइप से व्हाइट हो जाएगी। तो सिंपल से गाइज आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा, इस फोटो को सेव करने के लिए ना सिंपल से आपको 3 लाइन के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे शेयर के आइकन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।